अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी तरह सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पिक पे, ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूवर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जौन सी हमारी रेसिपी है वो है पालक गोश्त। मज़ेदार से पालक गोश्त की जौन सी रेसिपी है वो कैसे तैयार होगी और इसकी तरकीब क्या है, ये जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, ना प्याज रख दिए, जल्दी से प्याज हो जाए, बकाया काम ना बाद में कर लेते हैं। वो मैं दिखाती हूँ आपको, गोश्त वगैरह मसाले वगैरह, ये थोड़ा सा घी डाल के ना, क्योंकि प्याज गलने में टाइम लगेगा ना, तो इसलिए मैंने ना प्याज पहले रख दिए, फिर मैं दिखाती हूँ। लहसुन भी इसमें डालती हूँ। पालक रख दी है पकने के लिए, अब पालक पक जाएगी तो फिर ना इसमें ना गोश्त डालते हैं। गोश्त भी मैंने पकने के लिए रख दिया, ये देखिए पक गई है ना पालक। आज हम पका रहे हैं पालक गोश्त, ये देखिए ये गोश्त पक रहा है पालक के लिए, ठीक है। मैंने लादा इसलिए पकाया कि जल्दी से हो जाएगा ना, पालक उधर रख दी है, ये गोश्त पक रहा है पालक के लिए। फिर ये डाल दिया ना, दोनों चीज़ें मिक्स करके भून लेंगे, ठीक है। अभी मैं गोश्त डाल रही हूँ ना इसमें, फिर इसे भून लेते हैं गोश्त के साथ। बस अब ना इसे ना हम भून लेंगे घी डाल के, बर्गर हांडी हमारी हांडी ना तैयार हो जाएगी। हाँ जी, तेज आंच पे ना इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें घी आ गया, माशाल्लाह भुनी गई है, बहुत मज़े की बनी है पालक गोश्त। आप पकाएंगे बहुत मज़े की बनेगी, ये देखें। अब हम ना निकाल के आपको दिखाते हैं। वो मैंने ना अच्छी तरह ना भून लिया इसे, और ये देखें घी आ गया। जी तो व्यूवर्स, अब देखते हैं कि जो सी आज की हमारी रेसिपी है पालक गोश्त की, वो फाइनल हो चुकी है। तो हमने उसको पकने के लिए रख दिया था, हम लोगों ने उसकी भुनाई कर ली है। जी तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत ही अच्छी जो सी हमारी रेसिपी है तैयार हो गई है। तो व्यूवर्स, अब इसको रिशोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। तो इसको हम लोगों ने डिश आउट कर लिया है और आप लोगों के सामने है, कितना अच्छा इसका कलर है और जायका और खुशबू इसका क्या ही कहना। जो गोश्त है वो भी गल चुका है, पालक भी बिल्कुल सही हमें समझ लग रही है कि बिल्कुल ये पेस्ट सा नहीं बन गया, इसकी अपनी शक्ल बरकरार है, इसका टेस्ट भी डिवेल्प हो चुका है। गोश्त है जो हम लोगों ने वो भी आप लोगों के सामने बनाया, बहुत ही अच्छी रेसिपी जो सी है पालक की, क्योंकि हरी सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ियाँ सेहत के लिए और आँखों के लिए ख़ासतौर पर बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें अपनी फीडबैक देखें। मज़ेदार सी जौन सी आज हमने आपके साथ पालक गोश्त की रेसिपी शेयर की है, वो आपको कैसी लगती है। तो व्यूवर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।